वादा किया था कि इस पूरे गणेशोत्सव कुछ ना कुछ मीठा हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। उसी कड़ी में ब्रेक पर जाने से पहले मावा के मोदक दिशा जी ने हमें बनाने सिखा दिए हैं। अब दूसरी वो रेसिपी क्या होगी, आइए उन्हीं से जानते हैं। दिशा जी, दूसरी रेसिपी क्या होगी? दूसरी रेसिपी है मुठिया के मोदक। आमतौर पर मुठिया बनाना हर कोई जानता है जी, उसके हम मोदक बनाएंगे जी। तो मुठिया के मोदक यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है अपने मोदक को, तो उसकी सामग्री क्या क्या होगी? उसके लिए हमको लगेगा गेहूं का आटा जी, बेसन जी, सूजी, शक्कर, बारीक कटा हुआ गुड़ और देसी घी जी। तो सामग्री भी दिशा जी ने बता दी है, तो दिशा जी शुरू करें। जी बिल्कुल। अब हम गेहूं के आटे में 1 चम्मच जितना सूजी, 2 चम्मच जितना बेसन और 2 से 2.5 चम्मच जितना तेल डालकर उसको हम आटा गूंथ लेंगे। आटा गूंथने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से ऐसे शेप देंगे ताकि अंदर में थोड़ा सा भी कच्चापन ना रहे जी। शेप देने के बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई, जो कि इस तरीके से दिखेगा ताकि अंदर थोड़ा सा भी कच्चा ना रहे। डीप फ्राई करने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, जो कि ये पाउडर फॉर्म में तैयार है हमारा। अब हम इसकी आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन में घी डालेंगे। इसकी क्वांटिटी क्या होगी दिशा जी? इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है वो आपका जो ये पाउडर हमने जो मिक्सर रेडी किया है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम घी डालेंगे। अच्छा, तो सिर्फ इसे भूनने के लिए हमें घी? जी हाँ जी। मैंने यहाँ पर लगभग 3 चम्मच जितना घी लिया है, इसमें हम डालेंगे ये जो हमने कटा हुआ गुड़ रखा है जी। तो इसको सारा ही डालना है? नहीं, सारा नहीं डालना है। अब ये जितना आपका जो मिक्सर रेडी है इसका हम हाफ करेंगे। अच्छा, हाफ करने के बाद हाफ क्वांटिटी जितना उसका एक मेजरमेंट रहता है एक कटोरी में, इसको हाफ करने के बाद जितना आएगा उतना ही गुड़ डालेंगे। ठीक, इसमें ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है जी। अब हम इसमें ये जो हमने मिक्सर रेडी किया है वो डालेंगे। आधा डालना है? नहीं, ये पूरा पूरा ही डालना। हाँ ठीक है। आधा गुड़ की क्वांटिटी नापने के अच्छा। लिए हम इसको आधा करते हैं। अब हम इसको चलाएंगे और थोड़ा सा आधा चम्मच 1 चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे शक्कर, ताकि वो शक्कर की एक कड़कड़ास आती है उसकी। लेकिन शक्कर हमें थोड़ी डालनी है क्योंकि हम गुड़ पहले ही उसमें डाल। जी बिल्कुल। हाँ, अब हम गैस बंद कर देंगे जी। ये हमारा रेडी हो चुका है जी। अच्छा दिशा जी, ये जो आपने इसको भून रही हैं, इसको ज़्यादा टाइम तक तो नहीं भूनना है, लेकिन क्या सिर्फ इसको जो अपन ने गुड़ डाला था उसको मेल्ट करने के लिए ही रखना? जी हाँ, ये हमने पहले से इसको डीप फ्राई करके उसको मिक्सी में पीस चुके हैं, तो इसको पकाने की जरूरत नहीं है। बस घी डालने मतलब गरम इसलिए करते हैं ताकि गुड़ को मेल्ट कर सके जी। गुड़ को मेल्ट करने के लिए हम घी गरम करके जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक गैस चालू रखेंगे। उसके बाद ये मिक्सर डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे ताकि वो कड़क ना हो जाए जी। ये हमारा रेडी है। अब हम इसको सांचे की सहायता से फिल करें जी। अब हमें सांचे की सहायता से जी ये जो हमने रेडी किया है इसको हम इसके इस तरीके से इसके अंदर फिल करेंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे। अच्छा। ताकि उसका जो शेप है वो अच्छी तरीके से आए और जब हम इसको निकालें तो ये बिखर भी नहीं पाए। बिल्कुल। सबको इसी तरह से भरते जाना है जी, उसको जी प्रेस करना है जी। ये प्रेस होने के बाद हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा मोदक जो है बन तैयार है। तो हमारा पहला मोदक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी मोदक को भी बना लेंगे जी। दिशा जी, जो सांचा है वो बाजार में इजीली मिल जी? बिल्कुल, ये अवेलेबल है मार्केट में जी। तो दोस्तों, जिस तरह से गणेशोत्सव चल रहा है, मोदक स्पेशल एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे एपिसोड को, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अलग अलग रूप में सांचे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सांचा भी कुछ अलग सा है।
वहीं देखा जाए तो सबकी मोदक बनाने की ट्रिक भी अलग अलग है। कोई किसी तरह से शेप देता है, कोई किसी तरह से शेप दे रहा है। ये हमारे मोदक तैयार बनकर तैयार हो चुके। अब हम इसको ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करेंगे। जी, तो बेसिकली हम अपने तरीके से भी इसको गार्निश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे जी जी ये अब आप इसको टेस्ट करके बताइए कि ये कैसा बना है। बिल्कुल, तो मुठिया मोदक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने कई तरह के मोदक पहले खाए होंगे, लेकिन इस तरह का मोदक आपने कभी नहीं खाया होगा। तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये हमारी रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी। तो दिशा जी, बहुत ही अच्छे आपने मोदक हमें बनाकर खिलाए थे। तो अब हम आपको एक IBC की टीम की तरफ से छोटा सा गिफ्ट यहाँ देना चाहेंगे। मुठिया के मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए देसी घी, बेसन, शक्कर, सूजी, गेहूं का आटा। फिलिंग बनाने के लिए गेहूं के आटे में 2 चम्मच तेल डालें, 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच सूजी डालकर आटा गूंथ लें। मुठिया बनाकर बेलें। मुठिया को मिक्सी में डालकर पीस लें। पैन में घी गर्म करें। गुड़ को पिघलाने तक चलाएं। मुठिया का मिश्रण डालकर चलाएं। 1 चम्मच शक्कर डालकर भून लें। मोल्ड में मिश्रण को भरकर मोदक का शेप दें। प्लेट में निकालकर गार्निश कर सर्व करें।